वेलकम टू टेक एक्सपर्ट। स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। देश दुनिया में जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रिक कारों पर जोर दिया जा रहा है, उसको देखते हुए कई कंपनियां इलेक्ट्रिक कार के बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। कुछ कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च भी कर दी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों की काफी ज्यादा मांग होगी। इसी को चलते जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा कारों को मानवीय रूप देने में लगी है। कंपनी ने टोयोटा आई ट्रेल नाम से कार को पेश किया है। 2017 के जेनेवा मोटर शो में टोयोटा आई ट्रेल को पेश किया गया था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कार में लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जिसे एक बार फुल चार्ज करके 200 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चला सकते हो। डायमेंशन की बात करें तो इस कार की लेंथ 2830 mm, हाइट 1460 mm और 1200 mm फ्रंट और 600 mm रियर ट्रैक चौड़ाई दी गई है। 600 किलोग्राम वजनी वाली इस कार में 20 इंच के टायर दिए गए हैं। डोर्स की बात करें तो इस कार में दो गुलविंग डोर्स दिए गए हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो इस कार को 100 किलोमीटर पर हर की स्पीड से दौड़ा सकते हो। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस कार में पीछे दो व्यक्ति बैठ सके इतना बेड सीट दी गई है और फ्रंट में ड्राइव सीट दी गई है। इसके सामने वाली सीट को 20 डिग्री तक घुमा सकते हो। दिलचस्प बात यह है कि आई ट्रेल कार में ड्राइवरों को अपने पैरों के साथ ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सभी को ड्राइव बाय वायर तकनीक के माध्यम से नियंत्रित करता है, जिसकी मदद से इस कार को सेल्फ ड्राइव मोड में भी चला सकते हो। गैस ये कार अगले 5 सालों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी टोयोटा की तरफ से आने वाली अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार। क्या ये कार निसान के लैंड ग्लाइडर कार को टक्कर मार सकती है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।